भारतीय नववर्ष पूरे देश में बड़े उल्लास से मनाया गया। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज एवं पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज के साथ संस्थान के वरिष्ठ गण व सहयोगियों ने भारतीय नववर्ष को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ आपदा पीड़ित बच्चों के साथ बड़े उत्साह से मनाया। पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को भारतीय नववर्ष, युगादि, गुड़ी पड़वा, नवरात्र व आर्य समाज स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। क्योंकि महिलाओं की सृजन शक्ति से संसार चल रहा है, इसलिए स्वामी जी महाराज के मार्गदर्शन में संगठन की बहनों ने पूरे देश में भारतीय नववर्ष को महिला दिवस के रूप में मनाया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। मंच पर गणमान्य लोगों ने स्वामी जी महाराज को मुकुट पहनाकर सम्मानित किया तथा माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात लोगों ने स्वामी जी महाराज तथा श्रद्धेय आचार्य श्री को शॉल पहनाकर अभिनंदन किया। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय महिला प्रभारी बहन सुमन ने उपस्थित राज्य महिला प्रभारियों को भी सम्मानित किया तथा महिलाओं ने भाई जयदीप जी को सम्मानित किया। इसके उपरांत छोटी छोटी बालिकाओं ने स्वामी जी महाराज के सम्मान में स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया तथा महिलाओं ने नृत्य नाटिका के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश दिया। राष्ट्रीय महिला दिवस व भारतीय नववर्ष महोत्सव के इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास व गंगा सफाई मंत्रालय की मंत्री सुश्री बहन उमा भारती जी का भी आगमन हुआ। सुश्री बहन उमा भारती जी स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य श्री के प्रति अनन्य श्रद्धा भाव रखती हैं। मंच पर बहन उमा भारती जी का महिलाओं ने शॉल व पुष्प से स्वागत किया तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर कृतज्ञता प्रकट की। प्रस्तुत है कार्यक्रम के मुख्य अंश।
करती हूँ कोटद्वार की बहनों को जो एक सूक्ष्म सा नाटक आप यहाँ पे प्रस्तुत करेंगी। अरे हमने तो देखे हैं कैसे कैसे नामी ग्रामी, पर हे शराब, जिसने भी तुझे अपनाई पाई है बदनामी। जाने तेरे अंदर कितने शैतान बसे हैं और तेरे कारण सारे यंत्र धुंध मचे हैं। अरे नालायक इंसान, मुझे ही दोषी ठहराए और बिन बुलावे मुझको ही पीता जावे। अरे सारी दुनिया तुझ पर ठुक ठुक करती, निर्लज्ज, तेरी नानी तो फिर भी नहीं मरती। ही शराब, फिर तू ही बता तुझे पाप की जननी क्यों कहते हैं और ये इज्जत वाले तुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? अरे इन पीने वालों ने ही तो मुझे बदनाम किया है, पी पी कर सबने गंदा काम किया है। बिना बात में हूँ सबकी गाली खाती, इन पीने वालों को तो शर्म नहीं आती। ही शराब, तू ठीक कह रही है बात पते की, पर क्या इन पीने वालों को तेरी बात जचेगी? कुछ भी बोल, इनको तो शर्म नहीं, रात दिन पिए जाए मुझको, इनके तो कर्म यही। उधर देख, एक आ रहा फालिश का मारा, मुझको पीकर वृथा कर दिया अपना जीवन सारा। दिया था परमेश्वर ने सुंदर शरीर इसको, पर आज बना है मेरे कारण कैसा फकीरे। अरे बाप रे, अरे नहीं बचता रे, अरे इस शराब को पीने से अब तो मरना ही अच्छा। अगर देखो एक आ रहा, इसका मैंने सर भी फुड़वाया, इसको इसका सर भी फुड़वाया, इसका मुंह मैंने कुत्ते से भी चटवाया, फिर भी इसको शर्म नहीं। अरे इस शराब ने तो दिखाए हमें कई नजारे, और त्यागो भाई बहनों पीने वालों, बंधु हमारे, बंधु हमारे, बंधु हमारे। इस देव भूमि उत्तराखंड को बचाइए, शराब नहीं हमें रोजगार चाहिए। परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज, श्रद्धेय परम पूजनीय आचार्य जी, परम पूजनीय मुक्तानंद जी महाराज, सभी को कोटि कोटि नमन। आज इस प्रोग्राम में उपस्थित आदरणीय शास्त्री जी, हमारे मुख्य राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय जयदीप जी, उनका मैं महिला समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। भाई बहनों, सबको आज नववर्ष और राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे महाराष्ट्र की तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। मैं उत्तराखंड की हमारी समिति का हृदय से अभिनंदन करती हूं, बहुत ही अच्छा सुंदर नियोजन आज के कार्यक्रम का हमारे भाई बहनों ने मिलकर किया है। ऐसा ही प्रोग्राम आज राष्ट्रीय महिला दिवस का पूरे भारत में आयोजित हुआ है और हमारे भाई बहन इसे पूरे आनंद से इसको आज पूरा कर रहे हैं। अभी जो यहां हमने नशा मुक्ति पर एक लघु नाटिका देखी, भाई बहनों ये बताने में भी मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि पूरे भारत में हमारी महिला पतंजलि योग समिति इस नशा मुक्ति पर कार्य कर रही है और पूरे देश से बहुत अच्छा प्रतिसाद हमारे इस कार्य को भी मिल रहा है। आगे का जो भी हमारा प्रोग्राम है इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी सबकी लाडली प्यारी महिला मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय सुमन बहन जी। ओम धन्यवाद। ओम परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज और हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी, आदरणीय श्री शास्त्री जी, आदरणीय भाई श्री सच्चिदानंद जी और मंच पर उपस्थित सभी भाइयों को और हमारी उत्तराखंड की महिला प्रभारी आदरणीय बहन दीपा जी, आदरणीय बहन शोभा जी, बहन पुष्पा जी और जिसने इस सारे प्रोग्राम का एक शिव संकल्प अपने हृदय में धारण किया, बहुत ही कर्मठ और पुरुषार्थी बहन है आदरणीय बहन लक्ष्मी जी,
एक व्यक्ति के संकल्प से कितने लोगों को लाभ होता है ये आज दिखाई दे रहा है। और बाहर से हमारे आदरणीय बहन सुधा जी जो महाराष्ट्र से हैं, आदरणीय बहन साधना जी, आदरणीय बहन सविता जी जो आचार्य कुलम की आचार्य हैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में, सभी भाई बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूं और आभार प्रकट करती हूं। आप सभी ने इस कार्यक्रम में आकर के अपना योगदान देकर के हम सब पर एक एहसान किया, मैं अनुग्रहित हूं आप सभी के आगमन से। आज ऐसा संगम कभी कभी हरिद्वार में भी नहीं हो पाता है जैसा आज यहाँ उत्तराखंड की इस देव भूमि में हो रहा है। हमारे सभी गुरुजन एक साथ मंच पर बैठे हुए हैं, ऐसा कभी कभी पतंजलि में भी उपलब्धि आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज सृष्टि संवत्सर है और इस सृष्टि के चक्र को माताएं ही आगे बढ़ाती हैं। जितने भी प्राणी इस धरती के ऊपर हैं उन सब की सृष्टि माँ से ही होती है, और जो पेड़ पौधे आदि आपको दिखाई देते हैं उनकी सृष्टि भी धरती माँ से होती है, प्रकृति माँ से होती है। तो एक प्रकार से ये सारे सृष्टि के चक्र को आगे बढ़ाने वाली माँ है, और इतना इसका आत्म स्वाभिमान होते हुए भी वो कभी इसका अभिमान नहीं करती है, यही तो इसके बड़प्पन का परिचय है। बच्चा पैदा होते ही प्रेम और करुणा का पिपासु होता है और उसकी तृप्ति या उसकी पूर्ति केवल माँ ही कर सकती है। बचपन के बाद पूरे जीवन भर भी हर प्राणी की हर आवश्यकता, हर पिपासा को माँ पूरा करती है, किसी न किसी रूप में नारी पूरा करती है। आज सृष्टि संवत्सर और साथ ही हमारा विक्रम संवत भी, नववर्ष भी है। मैं समस्त पतंजलि महिला योग समिति की ओर से पूरी देश भर में प्रत्येक जिले में आज ये महिला दिवस का, राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मैं श्रद्धे स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री श्रद्धे स्वामी जी महाराज, मुक्तानंद जी महाराज, इनके चरणों में प्रणाम करते हुए सभी बहनों को भी हृदय से बधाई देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ सबका। आज विश्व की सबसे बड़ी चुनौती, उपलब्धि या अभाव यदि किसी चीज का है तो वह एक ही है, दिव्य व्यक्तित्व का निर्माण। द बिगेस्ट चैलेंज, अचीवमेंट एंड क्राइसिस इन द वर्ल्ड इज मेक ए डिवाइन पर्सन। ये एक बहुत बड़ी समस्या हम सबके सामने है। सभी मत संप्रदाय को मानने वाले, सभी शास्त्र, सभी गुरुजन, सभी प्रयास जो हो रहे हैं उन सबका अंतिम लक्ष्य है दिव्य मानव का निर्माण। लेकिन इन सबके पुरुषार्थ के प्रारंभ में जो मूल में इसका कारण बनती है मानव के निर्माण का, वो है माँ। ये सारी चीजें तो बाद में मिलती हैं। जिस व्यक्ति को सुसंस्कारिणी, योगिनी, विदुषी माँ की कोख में उसको स्थान मिल गया, जिसको ऐसी विदुषी माँ मिल गई और उसको 5 वर्ष तक माँ के जो संस्कार मिल गए, जिसने 5 वर्ष तक अपने बालक का निर्माण कर दिया, वो बालक कभी जीवन के किसी भी क्षेत्र में गिर नहीं सकता है, मार नहीं खा सकता है। और दुर्भाग्य से यदि किसी को ये अवसर ना मिला हो, उसको ऐसी सुसंस्कारी, ऐसी विदुषी, ऐसी योगिनी माँ का गर्भ में उसको स्थान ना मिला हो, यदि कोख में बालक बिगड़ गया हो, तो फिर जीवन भर भी उसको कोई सुधार नहीं सकता है। ऐसे बताया हमारे ऋषियों ने कि हमारे जीवन की 5 वर्ष की शिक्षा दीक्षा एक तरफ और पूरे जीवन का पुरुषार्थ और उसकी शिक्षा दीक्षा एक तरफ, दोनों बराबर हैं। जिस प्रकार अच्छी फसल तैयार करने के लिए हम अच्छी जमीन को तैयार करते हैं, उसी प्रकार यदि हमें अच्छा मनुष्य का निर्माण करना है, दिव्य समाज, दिव्य राष्ट्र का निर्माण करना है, राम कृष्ण और भरत जैसी संतानों का निर्माण करना है, तो हमें सबसे पहले मातृशक्ति के निर्माण की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वही उसकी उत्पत्ति स्थान है। यदि माँ सुशिक्षित होगी, माँ विदुषी होगी, माँ योगिनी होगी, बलशालिनी होगी, कर्तव्य परायणा होगी, धर्म परायणा होगी, धार्मिक होगी, पतिव्रता होगी, तो निश्चित रूप से वो श्रद्धे स्वामी जी महाराज, श्रद्धे आचार्य श्री जैसी संतानों को उत्पन्न कर पाएगी। इस विशेष अवसर पर आज मैं श्रद्धे स्वामी जी महाराज के शरीर को जन्म देने वाली श्रद्धेया माता गुलाब देवी और श्रद्धे आचार्य श्री के शरीर को जन्म देने वाली पूज्या माता सुमित्रा देवी जी
और श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी की जननी का नाम मैं नहीं जानती, लेकिन जिस भी जननी ने इन महापुरुषों को जन्म दिया, मैं सौ सौ बार नमन करके उनके चरणों में प्रणाम करती हूं पूरी महिला समिति की ओर से। महापुरुषों के निर्माण में, दिव्य व्यक्तित्व के निर्माण में और भी बहुत सारी चीजों की अहम भूमिका होती है, लेकिन सर्वोत्कृष्ट भूमिका होती है मां की। और इस विज्ञान को हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले आत्मसात किया था, इसलिए महाराज मनु ने कहा था यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये एक विज्ञान है, ये एक साइंस है, ये कोई भावनाओं में कही जाती हुई बात नहीं है। तो एक तरफ आप जैसी दिव्य माताएं जो इतना, आज नवरात्र का प्रथम दिन है, अपनी पूजा आदि करके यहां उपस्थित हुई हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को सुनने के लिए, उनका आशीष प्राप्त करने के लिए, एक तरफ आप जैसी दिव्य माताएं और दूसरी तरफ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे, पूज्य आचार्य श्री जैसे ब्रह्मनिष्ठ योगी त्यागी तपस्वी गुरुजन हो, तो फिर कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि ये धरती दिव्यता से ना भरे, महापुरुष पैदा ना हो। निश्चित रूप से मैं आशान्वित हूं, ऐसा होने ही वाला है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री ने इतने अल्प काल खंड में जो क्रांतियां की, कोई भी महापुरुष अपने पूरे जीवन भर में कोई एक क्रांति करता है, इन महापुरुषों ने पिछले लगभग एक से डेढ़ दशक में चार चार महाक्रांतियां की हैं। सबसे पहले योग क्रांति, उसके बाद आयुर्वेद क्रांति, स्वदेशी की क्रांति और सत्ता परिवर्तन की क्रांति। ये इतनी बड़ी क्रांतियां हैं और उनके मूल में भी मां की एक अहम भूमिका है, और संगठन की बहनों ने भी इसमें खूब बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। और सत्ता परिवर्तन के बाद जो अगला चरण था व्यवस्था परिवर्तन का, उसमें सबसे पहली व्यवस्था जो हमारे मूल निर्माण में सहायक है वो है शिक्षा व्यवस्था, और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अब शिक्षा व्यवस्था की क्रांति का जिम्मा अपने हाथ में लिया है। इससे हम पूर्ण आशान्वित हैं, गौरवान्वित हैं, बहुत आशा भरी दृष्टि से श्रद्धेय स्वामी जी की ओर देख रहे हैं। जब ऐसी दिव्य माताएं इस धरती पर हों और ऐसी शिक्षा व्यवस्था करने वाले ऐसे गुरुजन हमारे बीच में हो, तो फिर सब द्विज बनेंगे, निश्चित रूप से सब महापुरुष बनेंगे, उनका संरक्षण मिलने से ये धरती दिव्यता से भर जाएगी। अतीत और वर्तमान इस बात का साक्षी है कि हर महापुरुष की महानता के पीछे किसी ना किसी रूप में किसी महिला का हाथ रहा है। और ये पहाड़ की माताएं तो इतनी निश्चल हैं, इतनी निर्मल हैं, इनको देख करके ही मेरा सिर श्रद्धा से झुकता है। इनका मस्तिष्क दिव्य ज्ञान से, निश्चल ज्ञान से भरा हुआ है, इनका हृदय निर्मल प्रेम से भरा हुआ है, इनकी वाणी वात्सल्य करुणा और ममता से भरी हुई है, और इनका शरीर त्याग तप श्रद्धा प्रेम करुणा और निष्काम सेवा से भरा हुआ है। माने एक प्रकार से ये त्याग तप की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं पहाड़ की महिलाएं। आप अपने लिए स्वयं ही एक बार ताली बजा लीजिए, क्योंकि आज भाई कम है, आप ही स्वयं ही ज्यादा हैं। तो एक सन्यासी अपना कुटुंब परिवार घर बार सब छोड़ करके, जब वो अकाम निष्काम आप्तकाम होकर के अपना सारा जीवन सेवा में समर्पित करता है, परोपकार में समर्पित करता है, तो उसे कितना सुयश मिलता है, कितना उसको प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है। लेकिन यही काम तो मेरे देश की हर माता कितने सहज रूप से कर लेती हैं, अपना घर बार सब छोड़ करके दूसरे परिवार को अपनाना और फिर पूरा जीवन भर बिना किसी यश की गौरव की कामना किए, बिना प्रतिष्ठा की कामना किए, कितना निष्काम भाव से पूरे जीवन भर सेवा करती रहती हैं। ये निष्काम सेवा का इससे बड़ा और व्यापक उदाहरण और कहीं मिल नहीं सकता है। संगठन और संस्थान में भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री के परम पुरुषार्थ को, त्याग को, इनकी दिव्यता को देख करके आज पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में 100 बहनें वेद शास्त्र व्याकरण आदि का अध्ययन कर रही हैं, और उन्होंने अपना पूरा जीवन इस मानवता की सेवा में समर्पित करने का संकल्प लिया है, जिनकी आचार्य आदरणीय बहन सविता जी आपके सामने उपस्थित हैं। और ऐसे ही संगठन में लगभग 25 लाख बहनें अपनी सब पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिदिन सेवा में कम से कम 2 से 4 घंटे समर्पित करती हैं। उन बहनों का भी बहुत बड़ा मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूं।
आज नवरात्र का प्रारंभ भी हो रहा है। हम 9 दिन तक विभिन्न रूपों में मातृशक्ति की पूजा अर्चना उपासना करेंगे ताकि हम और शक्ति प्राप्त कर सकें, क्योंकि शक्ति के बिना सब दुर्गति है, सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं बिना शक्ति के। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगी आप सबसे भी और जो भी सुन रहे हैं उन सबके माध्यम से भी, ये अनुष्ठान अब 9 दिन में पूरा नहीं होना चाहिए, बल्कि जब तक नारी को उसकी शक्ति, उसके असली अहमियत का और उसका पूरा सम्मान उसे ना मिल जाए, तब तक बराबर ये अनुष्ठान चलता रहेगा। इसको आगे बढ़ाना है हमें, क्योंकि सब कुछ खोकर के सब कुछ पाना, ये मंत्र अगर किसी से सीखना हो तो हम मां से सीख सकते हैं, ये नारी से सीख सकते हैं। आज इस संसार की मति मारी गई है जो इस पूज्या मां को भोग्या समझने लगा है, जो पूज्या थी उसको भोग्या समझ रहा है, और उसका पिछले कितने सदियों में इतना शोषण, इतना अपमान हुआ है, और उसके बावजूद भी ये कृतज्ञता के भाव को भी बिसार चुका है। मैं कहती हूं जो भी मनुष्य, परिवार, समाज या राष्ट्र जो भी नारी की अवज्ञा करता है, उपेक्षा करता है, अपमान करता है, वो तो अपने विनाश को स्वयं ही आमंत्रण दे देता है। अब इनसे ये चीजें हटनी चाहिए, उसको उचित सम्मान मिलना चाहिए, उसको उड़ने के लिए खुला आसमान मिलना चाहिए। बेटी की कीमत, आज तो भ्रूण हत्या जैसे अपराध हमारे समाज में पनप रहे हैं, बेटी कैसे प्राप्त की जाती है और क्यों प्राप्त की जाती है, ये बात तो जाकर के आप राजा जनक से, द्रुपद से और अश्वपति से पूछिए, जिन्होंने कितना तप करके कन्या को प्राप्त किया था। तो आज हम इस राष्ट्रीय महिला दिवस और नवरात्र के इस शुभ अवसर पर, और ये पवित्र भूमि हिमालय के अंदर बैठे हुए हैं, इस देव भूमि में बैठे हैं, हमारे गुरुजन हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। और जो अनुष्ठान श्रद्धे स्वामी जी महाराज ने, पूज्य आचार्य श्री ने एक बड़ा विराट यज्ञ जो प्रारंभ किया है, मैं अपने सहित जितनी भी महिला पतंजलि योग समिति की बहनें हैं, हम सब अपना परम सौभाग्य समझते हैं कि इस विराट यज्ञ में हमें भी एक आहुति प्रदान करने का सौभाग्य श्रद्धे स्वामी जी महाराज ने प्रदान किया। इसलिए पुनः मैं अपनी बहुत ही विनम्र प्रणाम श्रद्धे स्वामी जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए, आज क्योंकि हमें सभी महापुरुषों का आशीर्वाद मिलेगा, आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी भी जो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं हमारे बीच में हैं, और अब हम सब बहनों की ओर से, सब भाइयों की ओर से श्रद्धे स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अब सबसे पहले पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ओम भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कहते हैं प्रारंभ अच्छा होता है तो फिर सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। आज नववर्ष का प्रारंभ है और इस भारतीय नववर्ष के प्रारंभ पर, जिसका चैत्र महीना शुरू हुआ है, विक्रम संवत
अब आपको ईसवी संवत तो पता है, ईसा मसीह कब पैदा हुआ था धरती पर, उसके नाम से विदेशी संवत अपने देश में हम बोलते हैं, लेकिन स्वदेशी संवत भूल गए। तो कौन सा विक्रम संवत शुरू हो गया आज से? जोर से बोलो, जोर से बोलेंगे 2072। अपने संवत पता होना चाहिए, 2014 बोलते रहते हम। 2014 साल पहले क्या हुआ था कुछ पता है? 2014 साल पहले ईसा मसीह, 2014-2015 बोल रहे हैं अभी, 2015 साल पहले कौन पैदा हुआ था? ईसा मसीह पैदा हुआ था। हम ईसा मसीह के प्रति गौरव रखते हैं, हम प्रोफेट मोहम्मद साहब को भी सम्मान देते हैं, हम दुनिया के सब महापुरुषों का, सब देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी मातृभूमि भारत माता का सम्मान करते हैं, अपने देश की परंपराओं का, संस्कृति का सम्मान करते हैं। विक्रम संवत 2072 ये याद रखना। और 1,96,83,115 वर्ष पुरानी अपनी गौरवशाली संस्कृति। आज महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और पूरे दक्षिण भारत में युगादि, माने जब सृष्टि का आरंभ हुआ था उसका पहला दिन यह आज का ही दिन है। कितने गौरव की बात, और उस दिन हम उत्तराखंड की देवभूमि पर, दक्षिण भारत में इसको युगादि पर्व के नाम पर बहुत बड़े रूप में मनाते हैं। हम तो आजकल भारतीय नववर्ष को तो भूल ही गए, बस वो दिसंबर की अंतिम रात, और उसमें भी आधी रात को तो जो तथा कथित लिटरेट इडियट्स शराब के नशे में झूमते रहते हैं। और यहां शुरुआत ही हुई है कि हमें शराब का बहिष्कार करना है और अपने चरित्र को ऋषियों जैसा बनाना है। हम ऋषियों की संतान है, रामकृष्ण की संतान है, हम लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती को, इन पवित्र माताओं को अपना आदर्श मानते हैं, ऋषि ऋषिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की संतान है। और हमारा जीवन कैसा हो तो अपने पूर्वज वीर वीरांगनाओं ऋषि ऋषिकाओं जैसा हो, यह संकल्प आज लेकर के जाएंगे और ऐसे अपने जीवन को बनाएंगे। तो आज युगादि है, आज गुड़ी पड़वा है, आज नव वर्ष है, इतना हर्ष है। और आज ही के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया और धर्म को वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, प्रामाणिक दृष्टि से देखने का हमें दर्शन दिया। यदि महर्षि दयानंद सरस्वती ना होते तो आज समाज में इतना अंधविश्वास ढोंग पाखंड हो गया होता। और महर्षि दयानंद ने वेदों के साथ साथ जो राष्ट्र के जागरण में और राष्ट्र की आजादी में भारत को प्रतंत्रता की गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए जो पुरुषार्थ किया, महर्षि दयानंद सरस्वती को भी हम प्रणाम करते हैं। और आज ही के दिन उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आज बहुत पवित्र दिन है और नवरात्रों का प्रथम दिन है। यद्यपि इस भौतिक शरीर का जन्म उत्तराखंड में नहीं हुआ, उसके नीचे एक छोटे से गांव में अलीपुर, नसैद अलीपुर नाम का एक छोटा सा गांव, अनपढ़ मां बाप के घर में, किसान के घर में शरीर का जन्म हुआ, वो भौतिक जन्म था। लेकिन मेरा आध्यात्मिक जन्म तो गंगोत्री में उत्तराखंड में हुआ, इसलिए मेरी भी पुण्य भूमि है, यह आध्यात्मिक भूमि, इसके प्रति मैं बहुत ऊंचा गौरव रखता हूं। और पूरे विश्व में यह योग का कार्य, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, भारतीय संस्कृति के जागरण का, उत्कर्ष का कार्य चल रहा है, लेकिन इसका मुख्यालय उत्तराखंड की पुण्य भूमि हरिद्वार में, यह भी उत्तराखंड के लिए बहुत गौरव की बात। और आज अपने इस आध्यात्मिक पुण्य भूमि, जन्मभूमि, दिव्य भूमि, ऋषियों की भूमि, भगवान शिव की भूमि, देवी देवताओं की भूमि, और मैं तो जब भी उत्तराखंड की इन माताओं को देखता हूं ना, यद्यपि आज भाई भी बैठे हुए मेरे दाहिनी ओर हैं, बाईं ओर हैं, ये हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं यहाँ, हमारे छोटे भैया भी जो है उमा जी को लेने के लिए गए हुए हैं, आचार्य बालकृष्ण जी और स्वामी मुक्तानंद जी, इन दोनों के बीच में आज मैं शायद कई वर्षों के बाद में बैठा हूं। और ये हमारे बड़े भाई, हम गुरुकुल के मित्र हैं, करीब करीब हमारी 25 वर्ष की मित्रता हो गई है, करीब 25 वर्ष की। और लेकिन ये मंच पे बड़े मुश्किल से आते हैं, लेकिन आज हमने इनको भी यहां बैठा ही दिया है। ऐसे महापुरुषों का दर्शन मात्र हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम,
तीर्थ भूता ही साधवा काले न फलती तीर्थ सद्य साधु समागम। इतना पवित्र दिन। और मैंने पूछा भाई ये जगह का नाम नगरासु, अब नगरासु में जा रहे हैं, हमने सोचा कोई बहुत बड़े नगर में जा रहे हैं, नाम ही नगरासु। हमने कहा भाई आबादी कितने, बोले बाबाजी बहुत थोड़ी सी है। तो मैंने कहा बड़ी आबादी कौन सी है, तो बड़ी आबादी तो यहां पास में रुद्रप्रयाग की है और बड़ी आबादी के बड़े बड़े क्षेत्र हैं, लेकिन सबसे छोटी आबादी में मुझे लगता है आज तक का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा जो आपने नगरासु में कर दिया। आज पड़ोसियों कितनी दूर दूर से आप अपने प्रातः काल का नवरात्र का अनुष्ठान आदि करके अपनी दिनचर्या करके उससे आप आए इतनी श्रद्धा से इतनी भक्ति से। मैं उत्तराखंड की इस पावनी भूमि के सभी भाई बहनों का और विशेष करके मातृशक्ति का विशेष स्वयं अभिनंदन करता हूं आपकी इस श्रद्धा के लिए, आपकी इस भक्ति के लिए। कितनी आस्था है आप में। मेरे साथ मिलकर के एक गीत बोलेंगे, एक भजन। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, प्रभु जी इतनी सी दया, बोलिए हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, हमको भी तुम्हारा पूछे और भले पूछे और भले ही मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले, प्रभु दर्शन का और प्यास है भाइयों। आप में भी तो प्रभु दर्शन की तो प्यास होगी, हम सब भगवान के ही तो हैं, सब जाएंगे। हम जन्म जन्म के प्यासे हमको भी तुम्हारा
गंगा की, गंगा मैया की। एक बोल बाबा जी, आप लोग भगवान को इतना की याद करते हैं? मैंने कहा भैया भगवान से ही तो सब कुछ हो रहा है, हम जो कुछ करते हैं तो अल्टीमेट ऑर्डर हमको कहां से मिलता है, ये सही है या गलत है, या अच्छा है या बुरा है, शुभ है अशुभ है, धर्म है कि अधर्म है, हमारे भीतर आत्मा में वो परमात्मा ही हमें अल्टीमेट ऑर्डर देता है, निर्देश देता है, संदेश देता है, उपदेश देता है, ज्ञान देता है। तो आत्मा में प्रेरणा देने वाला कौन है? परमात्मा। सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला भी कौन? परमात्मा। हम कह देते हैं कि हमारी पैतृक भूमि है, लेकिन पैतृक भूमि के भी एक इंच हमारे मां बाप नहीं बनाई, सब कुछ भगवान का ही बनाया हुआ है। इसलिए भगवान ही सबका करता है, सबका सब कुछ करने वाला परमात्मा, और हम उस परमात्मा की प्रेरणाओं को हर पल सुने। जैसा वो हमारे मस्तिष्क में शुद्ध ज्ञान देता है, ऐसे ही अपने हृदय में शुद्ध भावनाओं और शुद्ध कर्मों को, शुद्ध आचरण को करते हुए जीवन में हम आगे बढ़े। ये है एक सत्य का रास्ता, और इसी रास्ते पर हम चले। और देखो, जब हम भगवान की शरण में होते हैं ना, तो हमारे जीवन का उद्धार ही होता है। मुझसे भी लोग बोलते, बाबा जी आप जो करते हो इतना बड़ा वो काम हो जाता है, आपको इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, इतनी बड़ी सफलता मिली है, इतनी बड़ी सक्सेस मिली है, करोड़ों भाई बहन पूरे देश और दुनिया के आपको प्यार करते हैं, इसका रहस्य क्या है, इसका सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट यह है कि मैं भगवान से प्यार करता हूं, और क्योंकि भगवान सबके हृदय में रमा हुआ है, वो सब मुझसे प्यार करने लग जाते हैं। अब कुछ रोज जो करना है वो बातें बताते हैं। आप छोटी छोटी बातों को ठीक कर लो तो पूरा जीवन ठीक हो जाएगा।